विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सृजन इंडिया वन सृजन का मतलब होता है टू क्रिएट इंडिया हमारा प्यारा कंट्री वन का मतलब रैंक वन नंबर वन वन का मतलब होता है यूनाइटेड इंडिया टूडे इज फिफ्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लेटस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर हैं इंटरनेशनल यूथ डे 2021 का थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेटरी हेल्थ हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी इस किताब के ऑथर है श्रीमती सुधा मूर्ति जी ब्रुजेल्स बेल्जियम में है इंटरनेशनल डेरी फेडरेशन सऊदी अरेबिया के साथ ये नेवल एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम है अल मोहित अल हिंदी 2021 इंदौर पहला ऐसा शहर है जो वाटर प्लस सिटी है विंग कमांडर राकेश शर्मा जी फर्स्ट इंडियन थे टू तो गो इन स्पेस और स्पेस से क्या कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सो आर ऑफ आज के सवाल है द डेमोक्रेसी इंडेक्स इज एन इंडेक्स कंपाइल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेसी इंडेक्स मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री इंडिया का फॉर देअर स्किल्स इन आर्चरी तीरंदाजी माचकुंड प्रोजेक्ट इज अ अंट वेंचर बिटवीन विच टू स्टेट्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न है ये एक टाइप का एक के बाद एक ऐसे दूसरी क्रॉप लगाते हैं सेम एरिया में उसको क्या बोलते हैं रेड कलर ऑफ सॉइल इज कॉज बाय वॉट

Consider करना कैलकुलेट सपोज अस एस्टिमेट एंटिसिपेट पाइवेटल मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है वाइटल है क्रूशियल है एसेंशियल है इंपॉर्टेंट प्राइमरी है सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड डेवलप करना है आज के टॉपिक्स से आज हम देखेंगे इंडिया एट सेवेंटी फाइव आजादी का अमृत महोत्सव प्रेसिडेंट साहब ने कल एक स्पीच दिया था प्रेसिडेंट स्पीच को आज हम समझेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन करमापा सेरेमोनियल हेड इंडिया गुजरात टू सेटअप रेसिडेंशियल स्कूल्स इन पीपीपी मोड काबुल में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है नए आईटी रूल्स के कुछ प्रोविजंस पे दिस इज मैराइटल रेप एंड दिस इज टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा शौर्य चक्र अवार्ड्स दिए गए हैं अभी जैसे काबुल हाथी में अर्थक्वैक आया है वेयर विल क्लाइमेट चेंज स्ट्राइक आज संडे है आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं आज ये एफ ए क्यू वन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है आज बिकॉज इंडिया का इंडिपेंडेंस भी है तो कुछ बहुत एक सीरीज ऑफ वेल रिटन आर्टिकल्स आए हम उनको भी देखेंगे जैसे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एफ ए क्यू है और ये वो आर्टिकल्स हैं जैसे ये आर्टिकल लिखा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एन इवॉल्विंग जर्नी डिफाइंड बाय होप एंड ऑप्टिमिज्मीज आर अगेन सीरीज ऑफ आर्टिकल वेरी वेल रिटर्न इसको हमें बड़े अच्छे से देखना है ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया एट 75 को समझने के लिए आगे का डायरेक्शन क्या लेना है हमें देन ये सेलिब्रेशन है प्रेसिडेंट प्लेस और दिस इज 15th ऑफ ऑगस्ट आज हम एक सवाल भी तैयार करेंगे स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 पे और 26 जनवरी के लिए हम ये तैयार करेंगे कि

ट्रामा पार्टीशन हॉर रिमेंबरेंस डे विल ऑनर सेक्रीफाइसेस जब देश का विभाजन हुआ था तो देश ने बड़े मुश्किल दौर को देखा है पार्टीशन के बहुत सारे हॉरर्स भी हुए हैं तो हमें ये याद रखना है कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है हमारी यूनिटी इस इज सजन वन वन ओके ने स्पीच हम पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी बड़ा अच्छा स्पीच दिया है रेड फोर्ट से और प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच होता है ना इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होता है आने वाले एग्जाम्स के लिए अभी आप देखना जो अभी आपका प्रलम्स होगा उसमें इस, इस स्पीच से नहीं तो भी दस सवाल बनेंगे देखना टेंथ ऑफ दिस अक्टूबर में सो so ये स्पीच भी बड़े अच्छे से देखना है इसको हम कल देखेंगे आज हम देखते हैं प्रेसिडेंट साहब का स्पीच जो उन्होंने इवनिंग में दिया था सी जब इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट करते हैं मतलब 15 अगस्त तो रेड फोर्ट से ये फ्लैग हॉस्टिंग होती है और जब 26 जनवरी होती है तो वहां पे प्रेसिडेंट साहब राजपथ में फ्लैग हॉस्टिंग करते हैं ओके और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे रेड फोर्ट से फ्लैग हॉस्टिंग करते हैं तो स्पीच जो है वो पहले हम प्रेसिडेंट साहब का देखते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी एड्रेसिंग द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन न्यू दिल्ली आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये पचहत्तर साल हो गए हैं सेवेंटी फाइव ईयर्स हो गए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के ट्रिब्यूट दिया मार्टर्स को जिनके कारण आज हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया में सरवाइव कर रहे हैं टुडे यू एंड आई ब्रीद अंडर फ्री स्काइज थैंक्स टू देयर हीरोइक नीड्स जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में मार्टर्स थे जिन्होंने इतने पचहत्तर साल में आज के इंडिया का निर्माण किया है हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है गांधी जी ने क्या बोला था ट्रुथ और वॉयलेंस दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं तो ये हमारी गाइडिंग लाइन लाइट होनी चाहिए इंडियन एथोज है इंडियन एथोज मतलब जो हमारे हमारा कल्चर है हमारी सभ्यता है हमारी वैल्यूज है हमको उसे अबेंडन नहीं करना है इंडियन एथोज ह्यूमन डिग्निटी पे हमें ध्यान देना है गांधी जी ने हमें क्या कहा था स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन आर प्रेफरेबल टू रैपिड स्ट्राइज इन द रोंग डायरेक्शन सी स्लो एंड स्टडी स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन प्रिफरेबल है बेटर है बजाय रेपिड स्ट्राइड इन द रोंग डायरेक्शन तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इम्पॉर्टेंट होता है स्लो एंड स्टडी बिकॉज स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस टोक्यो ओलम्पिक्स की बात करें तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया प्रेसिडेंट साहब ने इनसे इंटरेक्शन भी किया इंडिया में ज़रूरी है अभी स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना अब जैसे ये जो हम थीम्स देख रहे हैं ना आज जैसे हम प्रेसिडेंट साहब आपके स्पीच की देख रहे हैं ये सारी जो थीम्स है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हर अपकमिंग एग्जाम में आपको इंटरव्यू में कैसे बोलना है किन पॉइंट्स को आगे रखना है क्या डायरेक्शन होगी आपकी सोच की ये बड़ा अच्छा फॉर्डर मटेरियल है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू आर्म्ड फोर्सेज लेबोरेटोरीज टू प्ले ग्राउंड अवर डॉटर्स आर मेकिंग देयर मार्क नोट डाउन दिस लाइन इन दिस सक्सेस ऑफ अवर डॉटर्स आई सी अ ग्लिम्स ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया ऑफ द फ्यूचर एक्सिलेंट लाइन आप इसको ऐसे में लिख दो इतना अच्छा इम्प्रेशन बनेगा और यू विल फैच वेरी गुड मार्क्स सो नोट डाउन दिस लाइन सेकेंड अवर साइंटिस्ट हैंग वैक्सीन्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम अवर कोरोना वॉरियर्स चाहे वो डॉक्टर्स हों नर्सेज हों हेल्थ वर्कर्स हो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो एवरीबडी जो फ्रंटलाइन स्टाफ था

एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स जरूरी है बिकॉज देश की ज्यादातर जनता एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में है और प्रोडक्टिविटी वहां पे कम है स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की बात की वहां ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाना बहुत जरूरी है और ये पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड गगनयान मिशन जो है इसमें हम स्पेस में इंडियंस को अभी भेजेंगे तो इसका भी मेंशन आ गया पार्लियामेंट में अभी हमने देखा था कि एफिशिएंसी नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिना डिबेट एंड डिस्कशन के बिल पास हो रहे हैं तो ये गलत है डिबेट एंड डिस्कशंस जरूरी होते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है नीटली समराइजेज दो ड्रीम्स इन फोर वर्ड्स नोट डाउन दिस लाइन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये लाइन ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट का जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी तो द पॉइंट इज हमारा जो कंट्री इंडिया है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री और जो हमारी स्ट्रेंथ है हमारी स्ट्रेंथ है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी बन रहा है अभी इतने ग्लेशियर्स मेल्ट हुए क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ रियलिटी ऑफ लाइफ सीज राइज हो रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सी प्रेसिडेंट साहब ने क्लाइमेट चेंज पे भी एक पॉइंट रखा अब इसमें गांधी जी को लिंक करते हैं गांधी जी भी जो है ना ये बड़े हाई यल्डिंग हैं गांधी जी का यूटिलिटी हर सब्जेक्ट में है हर जगह यू कैन फिट गांधी फिलोसफी तो गांधी जी ने कहा वंस यू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद रिवर्स एंड माउंटेन्स बर्ड्स एंड एनिमल्स नेचर रिवील्स इट्स सीक्रेट टू यू सो द पॉइंट इज यू हैव टू दू हैनी हारमनी में रहना है नेचर के साथ अभी कारगिल विजय दिवस के भी साल हो रहे हैं तो हमने कारगिल वॉर मेमोरियल भी किया द्रास सेक्टर लद्दाख में अब सी ईच एंड एवरी डीड ऑफ माइंड ज़ फॉर द नेशन ये जो पूरा स्पीच है इसका मैंने पी भी बना दिया है कल टेलीग्राम पर शेयर किया गो थ्रू दिस पी ये जो बड़े बड़े होते हैं ना जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हुए बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हमारे हेड्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हुए या फिर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इन तीनों के हम मैसेजेस अभी रीड करेंगे देखेंगे समझेंगे ये जो मैसेजेस होते हैं ना ये बड़े हाईली क्वालिफाइड ब्यूरोक्रैट्स और ये सब लिखते हैं तो दे नो द पल्स ऑफ दिस गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है और इसकी लैंग्वेज भी बहुत रिफाइन होती है कंटेंट भी बहुत मैच्योर होता है तो ऑलवेज गो थ्रू प्रेसिडेंट के जो स्पीच होते हैं इससे इसकी लैंग्वेज पिक करनी है डायरेक्शन चॉइस ऑफ वर्ड्स थीम ये सब हमें इनकलकेट करना है ऑल राइट right? अब जो नेक्स्ट है दिस इज अबाउट इंडिया वर्किंग फॉर रिटर्न ऑफ करमापा ये स्पीच मैंने शेयर किया है इसको भी एक बार आप गो थ्रू करना ओके गो थ्रू करना मेरा हर काम देश के नाम ये एक सब हेडिंग बन सकती है मेरा हर काम देश के नाम

इसको लॉन्ग टर्म पे हम चाइना से भी कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दलाई लामा जी का भी सक्सेसर चुनना है और उसमें इंपॉर्टेंट से हो सकता है लेट सी इंडिया वर्किंग फॉर रिटर्न ऑफ करमापा अब जो थर्ड न्यूज़ है यहाँ पे वो न्यूज़ है गुजरात टू सेटअप रेसिडेंशियल स्कूल इन पीपीपी मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अक्सर हमने देखा पीपीपी आता है रोड बनाने के लिए डैम्स बनाने के लिए या फिर एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए एटसेट्रा पी अब आएगा स्कूल्स के लिए भी इट एम्स एट हेल्पिंग मेरिटोरियस चिल्ड्रन विल ले एम्फेसिस ऑन बाईलिंग मीडियम तो मेरिटोरियस चिल्ड्रन और लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छी फैसिलिटी देना है और ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ये हाईली सब्सिडाइज भी होते हैं कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन शुड बी दी एम

तो कुछ बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स इसमें दिए हैं इसको भी हम वन बाय वन देखेंगे और ओवर द पीरियड इस इन सारी थीम्स को हम इंक्लूड भी करेंगे आंसर राइटिंग में ओके okay? अब ये नेक्स्ट पेज है बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेज प्रोविजन फॉर न्यू आईटी रूल्स नए आईटी रूल्स आ रहे हैं रूल्स का नाम क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स टू इंटरमीडिएटरी मतलब ट्विटर फेसबुक एटसेट्रा और यहाँ एक एथिक्स भी लगेंगे कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो इसमें जो रूल नाइन वन नाइन थ्री है प्राइमा फेसी वॉयलेट करता है पेटिशनर्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नए आईटी एक्ट में तो कोर्ट ने इन दोनों को क्वाश कर दिया है अभी इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि इसको हम लिंक करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या बोलता है प्रोविजन ऑफ लॉ है आर्टिकल फोर्टीन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल नाइनटीन वन ए है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नाइनटीन वन जी है प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है तो ये जो बात है इसमें ये इशू है कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी वेग है और ड्रेकोनियन बताया गया इससे क्या होता है यूज कम होता है मिस यूज ज्यादा होता है तो कोर्ट ने फिलहाल के लिए नाइन वन थ्री नाइन थ्री को प्रेमा फेसी वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को दैट इज वाई क्वॉश कर दिया था इस पर अभी हम एक एडिटोरियल भी देखेंगे एक दो दिन में विल टॉक अबाउट इट अगेन वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस आर्टिकल नाइनटीन और ये जो प्रोफेशन है ना जो रिमेंबर क्रिप्टो करेंसी भी आई थी उसको भी इसी में जो आर बी आई ने बैन लगाया था तो बैन जो लिफ्ट हुआ था वो अंडर दिस आर्टिकल नाइनटीन वन जी हुआ था ओके देन नेक्स्ट है कोर्ट्स इन द कंट्री कंटिन्यू टू डिफर ऑन वेराइटल रेप ये भी एक सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत बड़ा चिंता का विषय है तो जरूरी यहां पर यह है कि इधर भी जस्टिस डिलीवर होना चाहिए जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी ने इसमें काफी ज्यादा रिकमेंडेशन भी दिए थे प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोर्ट्स भी अभी इसमें अग्रीमेंट में नहीं है ये भी एक ऑनगोइंग न्यूज है बट वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस टॉपिक फॉर नाउ इस पर हम फिर से बात करेंगे पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ प्रेसिडेंसी। तो ये पेज था अब जो नेक्स्ट है वो है एम्बेसी काबुल यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रिम हो रही है मजार शरीफ वैसे ही कैप्चर कर लिया कल अफगानिस्तान ने अब यहाँ दो बात है आउट राइट यूएसए का भी एक हद के बाद वैलिड नहीं है बिकॉज यूएसए ने 20 साल दिए यहाँ पे यहाँ की आर्मी यहाँ की गवर्नमेंट को सप्लाईज दिया इक्विपमेंट्स दिए अब इन लोगों में भी तो थो थोड़ा दम होना चाहिए बीस साल से सरकार है और यहाँ की फौज हथियार डाल के ऐसे सरेंडर कर रही है फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं दिखा रही सारे वेपन्स इन्होंने यहाँ पे तालिबान को दे दिए तो द पॉइंट इज इसमें अफगान जो गवर्नमेंट है इसमें भी बड़े इशूज हैं इधर भी प्रॉब्लम है एम्बेसी ऑपरेशन सी अब यहाँ पे क्या होता है तालिबान ब्लिड्स पार्लियामेंट इज दू डिट है, well तो ये क्या किया? दिया है. Council, अभी जैसे कुछ इशूज भी हैं पार्लियामेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं हुआ इंडिया के पास अभी बहुत सारे चैलेंजेस है तो दिस इज अज काउंसिल स्पीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंद्रह अगस्त को हम शौर्य चक्र जैसे अवार्ड्स देते हैं जो हमारे मिलिट्री पर्सनल है उनको ऐसे अवार्ड किया शौर्य चक्र कैप्टन आशुतोष कुमार ऑनर्ड पॉस्टूमस देन 20 आईटीबीपी पर्सनल को भी अवार्ड मिला फॉर वैलर वैलर मतलब बहादुरी इन लद्दाख एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय है बॉर्डर एरियाज ऑफ कश्मीर में बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट थ्रेट ऑफ दीज ड्रोन अफगान प्रेसिडेंट वाउज टू रीमोबिलाईज फोर्सेस ये काम एक महीने पहले क्यों नहीं किया जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई हारने की कगार पे आ गए अब आप फुल फोर्स में फाइट कर रहे हो वाई आंट यू फाइटिंग फुल थ्रोटल डे वन अब यहाँ पे ये बात है लेट द वॉर कॉज फर्दर ब्लड शेड बट यू नो ये जो लीडर्स होते हैं ना लीडर्स का कुछ नहीं होगा ये भाग जाएंगे कंट्री से जो प्रॉब्लम होगी ना वो यहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन को होगी जो कहीं इजीली इवेकुएट भी नहीं कर सकता और वो कॉट इन बिटवीन दिस क्रॉस फायर ब्लड शेड होता है सिविल वॉर होती है तो दैट इज बाय जो लीडरशिप होती है वो बड़ी सेंसिबल एंड रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए लीडरशिप में हमेशा फोरसाइटेडनेस होना चाहिए फोर साइटेडनेस आप आगे की प्लानिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो थिंकिंग कैपेसिटी है या नहीं है प्लानिंग कैपेसिटी है या नहीं है स्ट्रैटेजी बनाने की कैपेसिटी है या नहीं है तो यू आर गोइंग फॉर दिस लीडरशिप जॉब चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या फिर आर्म फोर्सेस हो लीडरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कैन यू थिंक 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 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकिंग आर्मी में भी मसल पावर इज वन थिंग बट आज की डेट में जैसा वॉरफेयर चेंज हुआ है ना दिमाग की पावर पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं ऑफिसर्स में ओके सो दिस इज वन थिंग श्रीलंका टू प्रोक्योर ऑक्सीजन फ्रॉम इंडिया टू ऑगमेंट सप्लाई क्राइसिस है कोविड नाइनटीन का ये हैती है कुछ ही दिन पहले इस पे हमने इसका एक मैप देखा था हैती का दिस कैरेबियन आइलैंड के इधर है ये 7.2 मैग्नीट्यूड टू क्वैक का यहाँ पर हाईटी में आया एटलीस्ट वैसे काफी ज्यादा आते हैं यूएस ट्रूप्स रीच काबुल टू असिस्ट इन इवैक्यूएशन सी इंटेल इतना पुअर हो गया है यूएसए का सॉरी स्टेट बता रहा है इनके लीडर्स को कुछ पता ही नहीं है द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दे आर मेकिंग दोज आर वेरी वेरी इनरेस्पॉन्सिबल अभी उजेंड सोल्जर्स भेज रहे हैं टू अराइव टू जस्ट टू सेव गार्ड देयर एसेटर एम्बेसी में यूएस एम्बेसी पे अटैक हुआ था ना ईरान में वैसे ही अब इनको डर लग रहा है काबुल में तो दे आर नाउ सेंडिंग थ्री थाउजेंड सोल्जर्स टू दिस एम्बेसी द हार्ड रोड टू गोल्ड ट्वेंटी थ्री ओल्ड फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड इन एथलेट एथलेटिक्स देन चाइनाज वॉइस ऑफ रीजन है वेयर विल क्लाइमेट चेंज स्ट्राइक बड़ा सिंपल इसमें बातें लिखी है ऑल दो इंपॉर्टेंट बातें हैं आई पी सी सी रिपोर्ट को ही लेबोरेट किया है क्लाइमेट चेंज जो है वो रियालिटी है प्रेसिडेंट साहब ने भी बोला क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी और क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना उससे भी सफर करते हैं हेल्थ सफर होती है इकोनॉमी सफ़र होती है और किस सेक्शन सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट होता है वर्स्ट हिट होते हैं पुअर वर्स्ट हिट होते हैं चिल्ड्रन एंड सो द पॉइंट इज

नुकसान हो रहा है उसको कम करें मिटिगेट करें पहली जो दूसरी रिपोर्ट थी वो थी इम्पैक्ट बता रही है एडेप्टशन कैसी बता रही है और वलनरबिलिटी क्या है ये बता रही है तो दिस इज़ आईपीसीसी रिपोर्ट बाकी नॉर्मल टॉक्स हैं इसमें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज का मेजर रीज़न है एंथ्रोपोजोनिक एक्टिविटी हम फॉसल फ्यूल्स बर्न करते हैं इंडस्ट्रीज है थर्मल पावर प्लांट है ऐसे धुआं आ रहा है इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसेज सारा नाम बताइए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं आंसर सो द पॉइंट इज ग्रीन हाउस गैसेज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है कोस्टल सिटीज डूब रही हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं सी लेवल का टेम्परेचर बढ़ रहा है एसिडिफिकेशन ऑफ सी हो रहा है और बहुत सारी जो स्पीशीज हैं दे आर वी आर लूजिंग दैम इन ऑब्लिवियन आईपीसीसी रिपोर्ट जो है ना इसका इतना सिग्निफिकेंस इसलिए होता है कि ये जो भी बात बताती है हर चीज का एक साइंटिफिक बैकिंग होता है अदरवाइज देर आर लीडर्स लाइक ट्रम्प जो क्लाइमेट चेंज पे बिलीव ही नहीं करते थे तो साइंटिफिक बेसिस है प्रूफ है कि ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है दैट इज़ वाई आईपीसीसी रिपोर्ट का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आई रिपोर्ट पे आपने आंसर भी रेडी किया है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए ये बड़ा हाई एल्डिंग होने वाला है तो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर में भी है वेस्ट एनर्जी प्रोफाइल्स बन बिल्डिंग्स की होती है ये सब लाती है क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट क्या होता है वेरियस डायमेंशन ऑफ प्लैनेट्स जैसे कि लैंड ओशन माउंटेन पोलर रीजन ग्लेशियर वाटर साइकिल हर चीज़ इम्पैक्ट होती है बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस एंथ्रोपोजोनिक एक्टिविटी डिजास्टर्स एक्सट्रीम होती जा रही है और फ्रिक्वेंट होती जा रही है हम कोस्टल एरिया में देख रहे हैं ना हर दो तीन महीने में एक साइक्लोन आ रहा है फ्रिक्वेंट एंड एक्सट्रीम सो वेर विल क्लाइमेट चेंज स्ट्राइक देन दिस इज अबाउट वाई वॉज मैसी फोर्स टू लिव बारका जो फैंस होते हैं ना ये बड़े इमोशनल सेंटिमेंटल हो जाते हैं इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए ये सारे जो प्लेयर्स हैं सारे क्लब्स हैं दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल प्रोफिट ओरिएंटेड होते हैं जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा उधर चले जाते हैं मैसी सीनियर प्लेयर भी हो रहा है बारका को अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट भी हो रहा है अब जो नए क्लब में गया है उसका रेपुटेशन एंड चांसेस बेटर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस मैसी सो दिस दीज ऑल आर वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन जो यहाँ पे होते हैं ओके okay? ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए स्पोर्ट्स के लिए ज़रूर हमें उसको एनकरेज करना चाहिए यूजिंग नैनो रोबोट्स इन डेंटल प्रोसीजर्स सी अब एक नई चीज़ है ये जहां वर्ड नैनो आता है ना टेन टू दी पावर माइनस नाइन ये यूपीएससी का फेवरेट है नैनो रोबोट्स तो नैनो रोबोट्स क्या है जैसे डेंटल में रोबोट्स होंगे ये पिन पॉइंट डिलीवरी कर पाएंगे जहां पे हमें कुछ चेंजेस लाने हैं डेंटल या फिर मेडिसिन डिलीवरी करना है तो ये रोबोट्स हैं तीन नैनोमीटर के हैं डी ये ट्यूब्यूल्स में आ सकते हैं टारगेटिंग बैक्टीरिया पिन पॉइंट एक्यूरेसी अब इस पर जो सवाल बनते हैं ना वो ये आएंगे कि नैनो रोबोट्स का कुड बी यूज इन दिस डेंटल ट्रीटमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अक्सर जो कैन कूड मे माइट ये सारे जहाँ भी कीवर्ड्स दिखते हैं ना तो ये सारे कीवर्ड्स बताते हैं पॉसिबिलिटी और जो साइंस होती है इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटी है तो जो ये कीवर्ड वाले स्टेटमेंट्स हैं वो यूजली करेक्ट हो जाते हैं यूजअली सो दिस इज दिस ब्रेन्स न्यूरल कनेक्टिविटी शेप्स म्यूजिकल रिदम सेंस अब जो म्यूजिक है वो भी हमारे ब्रेन का साइज स्ट्रक्चर कैपेसिटी से लिंकड है कुछ लोग होते हैं जिनको म्यूजिक बड़े अच्छे से समझ में आता है उनका वर्क ब्रेन इज डिजाइन लाइक दैट एंड पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दिस इज न्यूरल कनेक्टिविटी केव मिला है साइबेरियन परमाफ्रॉस मतलब बर्फ जमी थी परमाफ्रॉस्ट इजी एट थाउजेंड ओल्ड अब ये भी इवोल्यूशन बता रहा है आज का जैसे टाइगर है पहले ऐसा नहीं था वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ तो ये केव कब पे जो Permafrost में मिला बता रहा है इवोल्यूशन कैसे हुआ दिस साइबेरियन रीजन में ओ एन जी सी नेट सो ओवर एट फोल्ड एट क्रूड प्राइस ऑफसेट आउटपुट ड्रॉप अगेन प्रॉफिट पेट्रोनेट को इतना हायर वॉल्यूम हुआ वी वॉन्ट टू री इग्नाइट बिजनेस महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो टेकम पे एम्फेसाइज कर रहे हैं पेस ऑफ अपैरल अपैरल मतलब कपड़ा एक्सपोर्ट टू की मार्केट्स हेल्थी है ये जो कपड़ा उद्योग है ना इसका सबसे अच्छा चीज ये होता है कि इसमें मास एम्प्लॉयमेंट होता है आपको नौकरियाँ जल्दी जल्दी बनानी है ना तो आप अपैरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी जो पिछले कुछ टाइम पे हुआ है टर्न अराउंड हुआ है उसका मेजर रीजन है अपैरल पे बांग्लादेश ने बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड बना रखा है तो हमें भी अपैरल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए और वैसे भी इंडिया का ट्रेडिशनली यहाँ पे स्ट्रेंथ रहा है ये एक्स यू एक, एक नई लॉन्च किया महिंद्रा ने एन ग्लोबल ई ले रहा है हाइड्रोजन नेट गैस पायलट पे और अब आते हैं अपन इन सीरीज ऑफ आर्टिकल में मैं इनका एक सेपरेट पी भी शेयर कर दूंगा ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ना ये जैसे वाइस प्रेसिडेंट साहब का है और भी जो लीडर्स हैं प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं उनके बड़े अच्छे थॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पे थॉट्स दिए हैं डायरेक्शन दिया है एनालिसिस दिया हुआ है तो ये सब क्या बनाता है ये सब बड़ा अच्छा फॉर्डर पॉइंट बनाता है इस पे बेस्ड हम एक सवाल भी देखेंगे इससे हमें डायरेक्शन मिलती है कि हम कंट्री को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं एन इवॉल्विंग जर्नी डिफाइंड बाय होप एंड ऑप्टिमिज्म जो नायडू साहब है इनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं क्वालिटी आर्टिकल्स है द फीयर्स एंड एप्रीह डूम्स एट दिन हैार्ज बीन डिस बट द पॉलिटिकल सिस्टम नीडस क्लिनिया आज़ाद हुआ ना तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि हम इतने इतने वेल well केपेबल नहीं है कि हम कंट्री रन कर पाएंगे जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के बारे में काफ़ी लोगों ने ये प्रडिक्शन किया था आई वॉज रीडिंग इन वन आर्टिकल शशि थरूर साहब की एक बुक है उसमें भी लिखा था कि इंडिया ना टूट जाएगा इंडिया का बालकनइजेशन हो जाएगा ऐसे करके बहुत सारी प्रोफेसिज दी थी सब फेल हो गई बट अभी ज़रूरत है कि हम जो हमारे लकुना है पॉलिटिकल सिस्टम पे या अभी भी जो डिविजिव प्रैक्टिसेस है मैसेजेस है सें, सेंटेंसेस अक्सर आते हैं इनको हम हटाएं क्लींस करें पॉलिटिकल सिस्टम नीड्स क्लीजिंग क्लींजिंग इवॉल्विंग जर्नी तो गो थ्रू दिस आर्टिकल बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट साहब का है तो थोड़े पॉइंट देख लेते हैं इन्होंने बताया है कि प्रीएम्बल में जैसे लिखा है वी द पीपल अभी आगे प्रीएम्बल भी देखेंगे मतलब ये चीज इट्स नॉट अबाउट वन इंडिया जो है ये तिरंगा है ये किसी एक का नहीं है हम सबका है वी द पीपल इंक्लूजिव पावरफुल और प्रॉस्परस होना हमें जरूरी है हम डेवलप करें इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बनाए बनाए बिल्डिंग्स बनाए फैक्टरीज बनाए पी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस करें एग्रीकल्चर में वोकल फॉर लोकल यहाँ पे एम्पेसाइज किया मुद्रा लोन है इससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ऑन्टरप्रोनरशिप को बेनिफिट होगा तो जैसे ये नेहरू जी हैं वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इम्ब्यूड विध विजनरी फोर साइट ऑफ अवर नेशनल आईक्रीडम फाइटर तो हमारी जो लेगे है ना बड़ी रिच लेगेउड तो कि इतने अच्छे कंट्री से हम बिलोंग करते हैं और इसको अभी आगे और आगे ले जाना है रिजायलियस जरूरी है रिजॉल्व जरूरी है रिसर्च एंड री इन्वेंशन जरूरी है ये एपली डिफाइन करेगा टीम इंडिया रेस्पॉन्स टू द अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ क्राइसिस कोविड नाइनटीन This moment of celebration should be a moment of rededication. Rededication. Moment of introspection. Pick, pick these words, language. Rededication, introspection, review, reform. Ceaseless, collaborative, competent action is required. We can co create a new India by building on our strength assiduously required over the past decades and centuries. Develop kare, strength. Pe सेलिब्रेट करें ये जो इतनी डाइवर्सिटी है ना ये टैबू नहीं है ये हमारी वीकनेस नहीं है दिस इज अवर स्ट्रेंथ इवन नेचर को भी बायोडाइवर्सिटी पसंद है सेलिब्रेटिंग अवर रिच डाइवर्सिटी सब एक जैसे हो जाएंगे तो थोड़ी ठीक रहेगा डाइवर्सिटी इज गुड बट ट्रांसफॉर्मिंग अवर गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर गवर्नेंस को हमेशा एम्पेसाइज करना है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को एम्पेसाइज करना है आप आई बन रहे हो आई एस एज एन इंस्टीट्यूट को आप स्ट्रेंदन करो बजाय सेल्फ ब्रांडिंग इंस्टीट्यूट हमेशा ऊपर होता है लोगों से पीपल से इंडिविजुअल कम एंड गो इंस्टीट्यूट हमेशा बना रहता है सर्व द पीपल इन बेस्ट पॉसिबल मैनर दिस इज दिस शुड बी योर मोटो सर्व द पीपल बिकॉज़ ये नाम में ही लिखा हुआ है नौकरी जनता के सेवक सिविल सर्वेंट लीविंग नो वन बिहाइंड फौज में नंबर वन रूल यही होता है कि अपने किसी साथी को पीछे छोड़ के नहीं जाना है लीविंग नो वन बिहाइंड बाई रिजॉलिंग डिफरेंसेज थ्रू कॉर्डियल डायलॉग डिफरेंसेज होना कॉमन चीज़ है फैमिली में भी डिफरेंसेज होते हैं बट द पॉइंट इज कॉर्डियल डायलॉग जरूरी होता है बाय स्ट्राइडिंग इन टू द कॉम्प्लेक्स अनसर्ट इन फ्यूचर विद ऑप्टिमिज्म ये ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं करना है जैसे कुछ लोग हैं हमेशा इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है नो देर इज देर शुड बी सम ऑप्टिमिज्म टू मच ऑफ दिस नेगेटिविटी क्रिटिसिज्म इज नॉट राइट कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ओके

वो रिवेंजफुल राइज कर रहा है रिवेंजफुल फुल आप आई बनना चाहते हो सक्सेस होना चाहते हो बट रिवेंज शुड नॉट बी योर शुड नॉट बी योर फोर्स रिवेंजफुल राइज से बहुत नुकसान होता है कॉम्पीट्स विद अदर इंडियननेस ब्रॉडर कैपैशियस एंड इंक्लूसिव होना जरूरी है इंडियननेस मतलब कैपैशियस एंड इंक्लूसिव दिस इज अवर आइडेंटिटी इंडियन नेशनलिज्म इट्स पॉलिटिकल लेजिटिमेसी फ्रॉम द कंसेंट कंसेंट इज इंपॉर्टेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इंपॉर्टेंट है फ्री है हम हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं यूनिफॉर्मिटी कम्स एट द प्राइस ऑफ यूनिटी इन्जिस्टेंस ऑन कॉन्फॉर्मिटी डिस्ट्रॉयज द इम्परेटिव ऑफ कंसेंसस डेमोक्रेसी में कंसेंसस जरूरी होता है यूनिटी Then, ये थर्ड आर्टिकल है द फाउंड इल्यूमिनेट्स अवर हिस्ट्री जैसे हम बोलते हैं ना बाबा साहब ने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्स्टिट्यूशन है फोर थी, उनको पता था आने वाले टाइम पे क्या चैलेंजेस आएंगे तो उन्होंने उसके सेफ भी किए जैसे आर्टिकल थर्टी टू इन द अर्ली ईयर्स इंडिया जो था कंसिडरेबल प्रोग्रेस किया लैंड सोशल रिफॉर्म्स में पब्लिक सेक्टर भी बना वूमेंस एम्पावरमेंट हुआ हमारा ऐसा कंट्री है ना तो यूएसए ऐसा है ना फ्रांस ऐसा है ना ब्रिटेन कोई नहीं इंडिया ऐसा कंट्री है जहां डे वन से यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है प्लेज टू प्रिजर्व द ऑनर ऑफ इंडिया नेशन स्टैंड टॉल डिस्पाइट अर्ली नेगेटिव प्रडिक्शंस डीपन करें फेडरलिज्म केरला सीएम ने लिखा है रीओरिएट करें वेलफेयर को फेडरलिज्म, बिकॉज 28 स्टेट्स है दे आर नॉट मेयर अपेंडेज इनकी भी एक आइडेंटिटी है फेडरलिज्म जरूरी है फेडरलिज्म तो प्रोग्रेसिव सोशल इकोनॉमिक सेक्यूलर डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं इसको मेंटेन करें तमिलनाडु सीएम केरला सीएम यहाँ लिखा है वाई हैव फेथ इन ग्रेट इंडियन एक्सपेरिमेंट इंडिया एक्सपेरिमेंट प्लूरलिज्म पार्ट ऑफ अवर लिविंग कल्चरल मेमोरी है इनिबिट्स रिलीजियस एडवर्सरीज फ्रॉम टर्निंग इनटू परमानेंट एनिमीज ये जो डिविजन है इसको हमें नहीं पाना है यहाँ पे डायशिप नू एंज मतलब फाइन डिटेल्स अब जैसे पे इस गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है ऑनटरप्रिनोरशिप से मास स्केल में जॉब आप क्रिएट कर सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड हो सकती है क्वालिटी ऑफ लाइफ रैपिड हो सकती है तो दिस इज गुड जैसे ये सारी डिजाइनर एंड वीवर है ऑनटरप्रोनोरशिप को एनकरेज करना है स्टिल शॉर्ट ऑफ स्कूलिंग एट सेवेंटी फोर स्कूलिंग में अभी भी चैलेंजेस हैं हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे अफोर्डेबिलिटी नहीं दे पा रहे हम केवल प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है स्कूलिंग का तो स्कूलिंग जो है इधर भी क्वालिटी होना जरूरी है एक्सेस अफोर्डेबिलिटी रीच होना जरूरी है स्कूलिंग सिस्टम और स्पेशली कोविड नाइनटीन के बैकड्रॉप में सेलिब्रेटिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम द फ्रीडम वी वॉन गिव्स अस द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री जैसे गांधी जी और नेहरू जी यहाँ पे ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एग्जीबिशन में बातें कर रहे हैं ये लिखा है राजस्थान के सीएम ने देन अ हेल्थ क्राइसिस द वर्ल्ड नीड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम अब हमें एक और इंडिपेंडेंस चाहिए स्वतंत्रता इस बीमारियों से एफर्ट्स ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जरूरी है टू ओवरकम दीज चैलेंजेस तो ये सब क्या है आइडियाज है थीम्स है जिस डायरेक्शन में हमें सोचना है टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी इंडिया डे वन से ऑटोनॉमस रहना चाहता है अभी काबुल में जो भी डिसीजन लेना है हम यूएसए पे क्यों डिपेंड करें इंडिया इज अ फ्री कंट्री हमको जो हमारे इंटरेस्ट में सही लगेगा हम वो काम करेंगे बिल्डिंग अप नेशनल स्ट्रेंथ रादर देन सीकिंग एन आउटसाइज रोल अब्रॉड इंडिया शुड डू वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉसिबल अ सेफ प्रॉस्परस एंड डिग्निफाइड लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन जैसे हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लिया हम ना तो रशिया की तरफ गए ना यूएसए की तरफ गए हम एक इंडिपेंडेंट रहे हमारा स्वतंत्रता है हमारे पास जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं इंडिया का नाटो के टाइम पे किया नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम पे किया पंडित नेहरू जी हैं ये प्रेसिडेंट नासिर मार्शल टीटो फाउंडर हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के आप सारे मेंबर्स के नाम बताओ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ये भी इंपॉर्टेंट है देन इन सब आर्टिकल्स को बातों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी बातों हम इंक्लूड करेंगे अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन को आपको अपने आंसर में कैसे लिखना है इंडियन यूनियन एंड इट्स बैड रॉक ऑफ फेडरलिज्म अब जो अभी थीम है ना फेडरलिज्म कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहा है फेडरलिज्म स्टेट और सेंटर के बीच में टसल स्ट्रेंदन करें फेडरल पॉलिसी रिकग्निशन करें डाइवर्सिटी को

पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ देश इसके बेसिस पे चलना चाहिए फ्रीडम फ्रॉम सेडिशन इज ज़रूरी ये ब्रिटिशर्स के टाइम के जो सेडिशन लॉज है इसका टाइम आ गया है इसको हम हटाएं साइंटिफिक टेम्पर है, है रूढ़ीवादिता नहीं लानी है हर चीज पे सवाल पूछो साइंस फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जो पुरानी मान्यताएं हैं है उनका टाइम हो गया उनको है उनको हटाइए हर जगह रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है चाहे वो कंट्री में हो या चाहे वो रिलीजन हो साइंटिफिक टेम्पर इज़ जरूरी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन साइंटिस्ट एंड सोसाइटी रिमेन्स लिमिटेड इस पर काम करना चाहिए डेवलप अ स्पोर्टिंग कल्चर सी इंडिपेंडेंस डे इज़ अ रिमाइंडर ऑफ द रोल ऑफ स्पोर्ट इन नेशनल बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह आर्टिकल लिखा विश्वनाथ आनंद जी ने एक और बड़ी अच्छी बात बोला स्टूडेंट को सारी किताबें दे दो माहौल दे दो बट जब तक स्टूडेंट खुद से एफर्ट नहीं करेगा पढ़ेगा नहीं उसको रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यू कैन हैव ऑल द स्टेडियम्स यू वॉन्ट बट वॉट इज द पॉइंट इफ यू डू नॉट प्ले एनी स्पोर्ट खेलना तो आपको पड़ेगा और स्पोर्ट्स को कूल बनाना पड़ेगा हमें कल्चर डेवलप करना पड़ेगा हर शहर में टाउन में विलेज में स्पोर्टिंग अरिनाज हो जहाँ पे पीपल आए कम एंड प्ले ये पब्जी खेलते रहते हैं ना इतने ही टाइम पे अगर ये बाहर जाके स्पोर्ट्स में कुछ खेले ना तो हमारे मेडल्स और बढ़ जाएंगे वी नीड टू एनकरेज दिस दिस स्पोर्ट कल्चर आउटडोर्स में खेलो रियल स्पोर्ट खेलो डेवलप अ स्पोर्टिंग कल्चर इंडिया इज नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पेरीफेसी पेरीफरी टू द कोर अब नॉर्थ ईस्ट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये गेटवे है टू ईस्ट एशिया

इंडियन एक्सप्रेस में बात है प्राइम मिनिस्टर का आज एड्रेस जो हुआ है ये एड्रेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें जो उन्होंने स्कीम्स बताई पॉइंटर्स बताए डायरेक्शन बताया इन सब से आप देखना नहीं तो भी दस सवाल आएंगे अभी दस अक्टूबर को तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे प्रेसिडेंट सिटीज टोक्यो लेसन फॉर पेरेंट्स ऑफ डॉटर स्पोर्ट्स को एनकरेज करें देन दिस इज इंडिया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर ये क्या है राष्ट्रपति भवन है एक्सचेंज हो रहा है अटारी वागा यहाँ गया था बड़ा अच्छा चार्ज अपन दिस इज क्लॉक टॉवर इन लाल चौक इन श्रीनगर दिस इज नियर बालू घाट इन बेंगल साउथ दीनापुर एक्सिलेंट ऑल लेटअप एंड रेडी टू सेलिब्रेट एक मिलिट्री पैरा मिलिट्री पर्सनल को अभी गैलेंट्री अवार्ड दिया है गैलेंट्री मतलब बहादुरी का अवार्ड देन जम्मू एंड कश्मीर में भी पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं अशोक चक्र भी मिला है देन नेवी भी हॉस्ट कर रही है ट्राई कलर एंड दिस इज अबाउट द राइट जैब वैक्सीनेशन जरूरी है सबको वैक्सीनेशन लगाना है देन सप्लाई रन फ्लड्स का प्रॉब्लम है नेचुरल डिजास्टर्स हैं ग्रीन पुश है ग्रीन पुश में भी सोलर एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर द यंग है वेल्थ क्रिएशन यंग बिकॉज़ फ्यूचर है हमारा अब यहाँ बड़े एक अच्छा सा आया है वॉट इज फ्रीडम टू मी आपके हिसाब से फ्रीडम का क्या मायने है आपके हिसाब से फ्रीडम क्या है वॉट इज फ्रीडम टू मी ये जो सवाल है ना ये भी हर किसी के लिए एक यूनिक चीज हो सकता है आप बताओ वॉट इज फ्रीडम टू मी तो जैसे यहाँ पे आप देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट पीपल से पूछा स्टूडेंट डिफरेंट एज ग्रुप डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस वर्किंग स्टूडेंट एक्सेट्रा और हर किसी ने बताया उनके लिए फ्रीडम के क्या मायने हैं देन फ्रीडम के साथ ही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है गवर्नमेंट से सो वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट से खुश नहीं हो क्यों नहीं हो आप क्या चाहते हो वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है तो दिस इज अगेन गुड बिकॉज यू नो आपने वोट डाला है आपने उन्हें चुन के भेजा है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप यहां डिमांड कर सको गवर्नमेंट से कि मुझे यह चाहिए वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट देन दिस इज नेटवर्क स्पोर्ट्स एक्सेलेंट स्माइलिंग फेसेस रेडी टू सो तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस अब पंद्रह अगस्त जो है पंद्रह अगस्त को मैंने पे कुछ दिए इसको एक 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 बार बार करिएगा बाकी तो तो हम फिर से एक बार देखेंगे सारे Content is really good. अब अगस्त मतलब देश का, देश का का की आजादी तो आज आज सवाल है ऐसे लिखते हैं पर राइट एन ऐसे ऑन द स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एक्चुअली ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आई थी स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया उससे भी आप कुछ क्लूज ले सकते हो बाकी जो फॉर्डर पॉइंट्स है ना उसके क्लूज आप कहाँ से लो जीएस वन के सिलेबस को देखो सिलेबस वीडियो नहीं देखा है तो गो थ्रू दैट जी टू के टॉपिक्स देखो जी एस थ्री जीएस फोर और इन सब टॉपिक्स को कलमिनेट करो स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया लिंक करिए बड़ा अच्छा ऐसे तैयार होगा और वो ऐसे साइडवेज नहीं जाएगा हमेशा इन द लाइन होगा सही अच्छे नंबर मिलते हैं इससे स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट सेवेंटी फाइव सिलेबस की बातें लिखिए और नीति आयोग की एक रिपोर्ट है वो भी मैं शेयर कर दूंगा तो राइट एन एसे ऑन द स्ट्रैटेजी फॉर New India at 75. आप क्या समझते हो तो पंद्रह अगस्त को तो आजादी हुआ आजादी के साथ अब जो अगला डेट आएगा वो आएगा वो जनवरी. जनवरी को हम Republic Day मनाते हैं. क्योंकि 26 नवंबर को को ही हमने संविधान खुद को आत्म अर्पित किया था तो अस क्विकली लेट अस क्विकली गो थ्रू दिस प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज जो प्रीएम्बल है ना ये आईडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आईडी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ये हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की की गरिमा और की एकता और राष्ट्र एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर उन्नीस को ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं दिस इज अब हम देखते हैं quickly, these solution बड़ा आसान है। टोटल बारह घंटे में एक घंटे में की जो स्पीड है वो दो दो किलोमीटर बढ़ रही है तो ये अर्थमेटिक बना लेते हैं एपी पी पहला टर्म एन इज इक्वल टू ट्वेल्व डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज टू तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पुट द फॉर्मुला एन 2 टू टू ए

पांच बाई दो मीटर पर सेकेंड हो गया डिस्टेंस इससे ये आएगी टाइम टेकन ये आएगा सिंपल फिफ्टी सिक्स सेकेंड्स आज के सवाल है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस ए ने कॉन्ट्रीब्यूट किया वन फोर ऑफ द कैपिटल पंद्रह महीने के लिए बी ने रिसीव किया टू द प्रॉफिट आप बताओ फॉर हाउ लॉन्ग बीज मनी वॉज यूज जितना भी जो प्रॉफिट होता है ना वो कितना किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करता है कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब पैसा और समय दो चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन

ये सी सेट के सॉल्यूशंस है यहाँ हमें ऐसे तैयार करना है व्हाट इज फ्रीडम टू मी व्हाट आई वांट फ्रॉम अ गवर्नमेंट एंड राइट एंड एसे ऑन द स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट सेवेंटी फाइव यंगस्टर्स है ना इनकी बड़ी जिम्मेदारी है इंडिया को आगे ले जाने के लिए और जो यंगस्टर्स हैं ये नए थॉट नए फ्रेश ब्लड फ्रेश एनर्जी फ्रेश आइडियाज ला सकते हैं विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ